बलकार सिंह, गोलियों से डर नहीं लगता? लगता है, पर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। लैंग्वेज रीमेक एक्शन थ्रिलर की बात करेंगे और इस फिल्म में हो रहे सारे एक्शन सीन्स और इस फिल्म की लैंग्वेज ओरिजिनल फिल्म में इन्वॉल्व किए गए एक्शन सीन्स की भी हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ की, जिसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर महेश मांजरेकर और प्रोड्यूस किया है सलमान खान अंडर द बैनर सलमान खान फिल्म्स ने। ये फिल्म एक मराठी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म मुल्शी पैटर्न की लैंग्वेज रीमेक फिल्म होगी, जहां इस फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आएंगे एक्टर आयुष शर्मा, एक्टर सलमान खान, एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल। वहीं इस फिल्म के सपोर्टिंग रोल्स में हमें एक्टर जिसू सेन गुप्ता, एक्टर निकितिन धीर नजर आने वाले हैं। जब से इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज किया गया है, लोगों में अफरत तफरी देखने को मिली, जहां में एक्टर आयुष शर्मा और सलमान खान के धमाकेदार फाइट सीन्स में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी में भी जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। ये फिल्म एक किसान के स्ट्रगल की कहानी है और उसके बदले की आग कैसे उसे गैंगस्टर का रूप देती है। तो बात जाहिर है कि इस फिल्म में काफी एक्शन सीन्स होंगे, कहीं लड़ाई होगी और कहीं स्टंट्स होंगे। बिल्कुल वैसे ही इस फिल्म की लैंग्वेज रीमेक में भी हमें कई एक्शन और स्टंट्स देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि हमें इसकी एक झलक इस फिल्म के टीजर में देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक्टर्स अपनी काफी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जहां हमें एक्टर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रगल देखने को मिलता है। ये स्टोरी डबल हीरो फिल्म है, जहां में दोनों एक्टर सलमान खान और आयुष शर्मा एक साथ एक स्क्रीन में नजर आने वाले हैं। जहां हमें एक्टर आयुष शर्मा एक किसान के रोल में नजर आएंगे, वहीं एक्टर सलमान खान हमें एक सिख पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। वहीं जहां एक्टर सलमान खान हो, वो एक्शन फिल्म से भरपूर तो होगी ही, जैसा हमें उनके फिल्म वांटेड और दबंग में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, हमें एक्शन स्टार वरुण धवन भी इस फिल्म में दिखेंगे। वैसे तो एक्टर वरुण धवन इस फिल्म के किसी सीन में नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस फिल्म के वन ऑफ द सॉन्ग्स में नजर आएंगे। सो बस एक्टर सलमान खान और एक्टर वरुण धवन की ये जोड़ी लोगों को पहली बार एक स्क्रीन में दिखेगी। तो बस और क्या, दिल थाम के बैठिए, जहां ये रिलीज होगी इस साल के एंड तक। सो उम्मीद है कि सभी को ये मूवी पसंद आए और ये फिल्म सभी को एंटरटेन करे। लेकिन आप घबराएं नहीं, इस फिल्म से जुड़ी सारी छोटी से बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ।